हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ माधवी रश्मि। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो डिज़ाइन है वो भी बहुत आसान है और इजी ट्रिक है। तो आप देखिए, मेरे हाथ में ना जो टेप लगे हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे लगे हुए हैं। मैंने ट्रांसपेरेंट टेप लगाया, आप कोई भी टेप लगा सकते हो। मेरे पास था नहीं यार, मैं सच्ची बताऊँ मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने यही वाला लगा दिया। और एक मेरे पास था बट उसकी ना जो चिपकन थी वो बहुत ही बेकार हो गई थी, तो मैं उसे लगा नहीं पाई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पे मैंने टेप लगाया है, जिसमें मैं अलग अलग डिज़ाइन अप्लाई करने वाली हूँ। आपको मतलब जो भी आता हो, जो भी डिज़ाइन आता हो ना, आप वही अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि जब आप किसी फेस्टिवल में नहीं लगाएंगे तो आप ये तो नहीं सोचने बैठेंगे ना कि माधवी ने कौन सा लगाया था। आपको जो आता है ना वो ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा। और पता जो टेप होती है ना, इससे हेल्प क्या मिलती है, ऐसा नहीं कहूँगी कि इसी की वजह से पूरा मेहनत डिज़ाइन लग जाता है। नहीं भाई, कोशिश तो आप ही को करनी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना जो थोड़ी थोड़ी सी जगह दिख रही है, इसमें ना मैं अलग अलग डिज़ाइन अप्लाई कर रही हूँ। और जब मैं इस टेप को हटाऊँगी तब इतनी जगह शार्प होगी और आपको कुछ नहीं करना है। वो अभी आप वीडियो में आगे देखेंगे, आपको सच में ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। पूरा फाइनल देखना, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको पसंद भी आएगा और आप प्यारे प्यारे कमेंट भी करेंगे। और थैंक यू सो मच फ्रेंड, जो आप लोग बहुत प्यारे प्यारे जो कमेंट करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों में से बहुत सारे जो गर्ल्स हैं वो रेगुलर मेरी वीडियोस देखती हैं, और जो बहुत गर्ल्स हैं वो कभी कभी देखती हैं। तो नो प्रॉब्लम, वो वैसे आपकी मर्जी है। बट फिर भी मैं कहूँगी कि मैं आप लोगों के लिए इतने प्यार से और इतनी मेहनत से जब वीडियो बनाती हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप देखिए। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अभी नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं, आप एक दो दिन बाद देख लीजिए, पर देखिए ज़रूर। तो ताकि मतलब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो हमें भी तो पता लगे कि हमारी जो ऑडियंस है वो कितना हमें पसंद कर रही है, कितना हमारे मतलब जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं मेहंदी के वो कितना पसंद करती हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने भरवा मेहंदी डिज़ाइन बनाया, बहुत सिंपल था। मैंने सिर्फ बड़े बड़े फ्लावर बना दिए थे। उसके बाद मैंने चेक बनाया है, चेक भी बहुत आसान था, मतलब काफ़ी डार्क लाइन करके, मतलब मोटी सी लाइन करके, उसके बाद ना उसमें हल्का हल्का सा मैंने चेक जैसा लुक दे दिया था, जो कि अभी आपने वीडियो में देखा था। उसके बाद यहाँ पे मैं आसपास जो सर्कल जैसा दिख रहा है उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन अप्लाई किया है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर एस लिख दिया है। ओ माय गॉड, अब आप सोचेंगे एस का ना, हाँ हाँ भाई, मुझे पता है कि आपको भी पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो भाई, मैंने अपने हस्बैंड का जो नेम है उसका पहला लेटर लिखा है। तो उसके बाद मैंने इसके आसपास चेक बना दिए हैं। अब एक्चुअली ये नाम वाला जो लेटर वाला जो मैंने मेहंदी डिज़ाइन बनाया, सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि ये करवा चौथ के लिए मैं लेकर आई हूँ डिज़ाइन। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, और वैसे तो यार मैंने पता है अभी फ़िलहाल में इतने सारे वीडियो अपलोड किए ना कि शायद जो आपने देखे भी नहीं होंगे। आप देखिए तो जाके बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे आपको, और मैं इस बात की तो गारंटी ले ही सकती हूँ कि यार मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फिर भी मैं आपको जो भी डिज़ाइन दिखाती हूँ और जो भी मैं बनाती हूँ ना, वो बहुत अच्छे हैं और बहुत ही सिंपल हैं कि उसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। हाँ, सभी डिज़ाइन को नहीं कह सकती, बट मोस्टली मेरे वीडियो में आपको सब सिंपल ही डिज़ाइन मिलेंगे और इतने अट्रैक्टिव मिलेंगे ना कि आपको ना एक्सपर्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है यार। ऐसा मतलब वैसे कहना गलत ही होगा, बट फिर भी मैं कहूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने फिर छोटे छोटे से फ्लावर अप्लाई किए हैं और एक छोटा सा मोर बना दिया है। अब इतना पूरा हैवी लुक मैंने डिज़ाइन है तो यार मोर तो बनता ही है। वैसे तो मोर वाले डिज़ाइन जो होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। चलो अच्छा, देखते हैं इस बार जब मैं करवा चौथ में मेहंदी डिज़ाइन अपलोड करूँगी, अपना जो खुद का लगाया हुआ ना, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। वैसे तो नॉर्मली करती हूँ, पर थोड़ा सा जल्दी शेयर कर दूँगी ताकि अगर आपको लगाना हो तब लगा लें। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैं डिज़ाइन अप्लाई करी, बहुत ही आसान सा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान। सिंपल फ्लावर बनाया, वहाँ पे साइड में मैंने जो मोर होता है वो बनाया, और उसके बाद ना जो ये देख सकते हो कि इतनी जगह है, जो इसे भरवा लुक देके ना वहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन अप्लाई कर रही हूँ ताकि वहाँ की जो जगह है वो थोड़ा सा, उतनी जगह में थोड़ा सा लुक आ जाए। और जो टेप था ना वो मैंने अभी हटा दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा भरवा लुक देना है। तो आप देख सकते हो कि डिज़ाइन के साथ, मतलब बीच में खाली खाली डिज़ाइन है, और जो उसकी आउटलाइनिंग जैसी मैंने की है उसको मैंने थोड़ा सा हैवी लुक दे दिया है, मतलब भरवा सा करके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतना डिज़ाइन था, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो भी देर मत करना, प्लीज़ कमेंट जरूर करना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
देखिए पता है क्या, मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं यही सोच के अपलोड करती हूँ कि जो गर्ल्स ना जब कोई फेस्टिवल आता है, जैसे करवा चौथ है, बहुत सारी जो लेडीज पर्सन है वो पता है दूसरों का इंतज़ार करती हैं, बाहर जाती हैं लगवाने, कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, कौन आपके घर में होती है, आप तरस रहे होते हैं कि काश मेरे कोई लगा दे। तो भाई इस तरीके के छोटे छोटे से स्टेप से ना आप देख के ना खुद ही मेहंदी लगा सकते हो। भाई दूसरे का मुंह क्यों देखना है, आप खुद ही लगा लो ना। और मैं जब भी कोई डिज़ाइन लेके आती हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात होती है कि ऐसा डिज़ाइन हो जो आप खुद लगा लो। और आज का डिज़ाइन भी ऐसा ही है, देखिए जो बहुत ज़्यादा आपको छोटे छोटे से और टफ जो दिख रहे हैं ना, वैसे ज़्यादा है नहीं, बट हो सकता है कि जो बिगिनर्स हैं उन्हें लग रहा हो। तो बताइए इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है, भाई जो आपको आता है ना आप वो बनाइए। चेक है, बड़े बड़े फ्लावर हैं, और जैसे डॉट वाले जो डिज़ाइन होते हैं वो हो गए, शेडेड डिज़ाइन होते हैं फ्लावर के वो हो गए, आप वही स्टेप बाई स्टेप अप्लाई कर दीजिए। और जैसे मैंने हथेली में जैसे बना रखा है ना, अगर आप ये नहीं बना पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे भी ना जैसे मैंने नीचे हथेली के नीचे टेप लगाया ना, ऐसे ही ना अब ऊपर भी लगा दीजिए और वहाँ पे वैसे ही कोई भी डिज़ाइन अप्लाई कर लीजिए। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना जो मैंने टेप है वो हटा दिया है, और कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ मुझे पता है आपको भी अच्छा लग रहा होगा, और प्लीज़ देखो ना कमेंट जरूर कर देना। और देख सकते हो कि यहाँ पे जो डॉट डॉट मैंने बनाए हैं उसकी वजह से कितना प्यारा लुक आ रहा है। अब पता है क्या, मैं चाहूँ ना तो बीच वाली जो जगह, ये खाली जगह दिख रही है ना, उसको भी मैं फिल कर सकती हूँ, तो वो और हैवी हो जाएगा। पर मैंने फ़िलहाल यहाँ पे फिल नहीं किया है, मैंने सिर्फ डॉट डॉट लगाए हैं, और जो डॉट डॉट से लुक आया है ना बहुत ही खूबसूरत है। और जो बीच में खाली जगह दिख रही है वो आपकी मेहंदी को ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है, अलग कर रही है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो ऊपर की तरफ डिज़ाइन बनाया है वो भी मैंगो शेप का डिज़ाइन बना के उसको ना मैंने पूरा फिल कर दिया है, ताकि जो एक बॉर्डर है ना वो बहुत प्यारा लग सके। जब मतलब मेहंदी लगी होती है ना किसी फेस्टिवल में, और जब आप कहीं जाते हैं या आपके घर कोई आता है, तो बड़े से मेहंदी डिज़ाइन का जो पूरा लुक है वो देखने बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर मेहंदी रच गई तो फिर तो क्या कहने, मज़ा ही आ जाता है। अच्छा पता है क्या, बहुत सारी गर्ल्स मेरे पूछती हैं कि जो मैं रेड वाली मेहंदी डिज़ाइन लगाती हूँ ना वो कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स वो ना बहुत जल्दी रचने वाली मेहंदी होती है, वो मिनटों में, मतलब अगर आपने ना 5-10 मिनट भी लगा लिया है ना, तो समझ लीजिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इतनी प्यारी मेहंदी का कलर आ जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। बट हाँ वो मतलब ऐसी नहीं होती कि आप अगर चाहे 3-4 दिन रुक जाए, ऐसे नहीं, हाँ 2 दिन अच्छे से रुक जाती है, उसके बाद वो छूट जाती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फाइनल लुक मेरा। अच्छा पता है फिंगर में जो मैंने डिज़ाइन अप्लाई किया था बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल सिंपल लाइनिंग और सर्कल से। और फ्रेंड्स कैसा लगा मुझे जरूर बताना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।